इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस वीणा सेंद्रे छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री हैं। इन्होंने साल 2018 में मिस ट्रांसजेंडर प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम की है। मेरी सहयोगी प्रीति सिंह से खास बातचीत में इन्होंने अपनी फिल्म का एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखिए, ये आप लोगों का प्यार है और जितनी भी जनता है, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, वो उन लोगों का प्यार है। और दुआ करती हूँ कि और ज़्यादा फिल्म हमारी चले, काफ़ी लंबे समय तक थिएटर में रहे, उम्मीद करते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के दौरान, और आज जो लोग पब्लिक अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग जो इस फिल्म को इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, डेब्यू फिल्म था, थोड़ी सी नर्वस तो थी कि किस तरीके से कैमरा फेस करना है, क्योंकि मैं एक मॉडलिंग फील्ड से आती हूँ एंड सडनली फिर मैं एक्टिंग फील्ड में आ गई। लेकिन जो टीम थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प किया। लेकिन फाइनली रिजल्ट आप सबके सामने है, लोग देख के तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि डेब्यू के अकॉर्डिंग आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पहली बार किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। तो ये जो अप्रिसिएशन है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। कि जैसे आप मॉडलिंग की फील्ड में होते हैं तो आपको अपने डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना होता है, अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, तो वो सारी चीज़ें फिर एक्टिंग में भी सेम रहता है कि आपको अपने हेयर स्किन हेल्थ, इन सारी चीज़ों पे कंटिन्यू फोकस करना रहता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें भी रही एक्टिंग के दौरान भी। लेकिन एक बचपन से मेरे अंदर वो था कि मुझे भी एक्टिंग करना है कहीं ना कहीं। वो जो एक एक्सप्रेशन जो मतलब मेरे जो फेवरेट रहे हैं श्रीदेवी जी, रेखा जी, तो मैं उनकी वीडियोस काफ़ी देखा करती थी, तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस, और इस फिल्म में आप देखेंगे कि अलग अलग शेड्स हैं मेरे, अलग अलग एक ही फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर दिखेंगे आपको, मेरे अलग अलग शेड्स दिखेंगे, तो वो मुझे अच्छा लगा कि एक चैलेंजिंग कैरेक्टर मुझे मिला और मैंने बहुत अच्छे से इजीली एक्सेप्ट कर लिया। कोरबा के काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं, ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है कोरबा, इससे पहले मैं आ चुकी हूँ और कोरबा के कुछ कुछ लोकेशंस मुझे बहुत पसंद है। जो अभी एक डैम बना हुआ है यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट बहुत खूबसूरत है। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। फिल्म की जो शूटिंग हुई है वो 80% रायगढ़ में हुई है। कुछ गाने जो हैं वो हम लोगों ने रायपुर राजनांदगांव के बीच में कुछ सीन फिल्माए हैं गाने के, लेकिन अगर 80% आप देखेंगे तो रायगढ़ में शूट हुआ है। और आपको फिल्म देख के ऐसा लगेगा नहीं कि आपने ये रायगढ़ की फिल्म है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें पहले पता था कि यहाँ पे दो शोज़ हमारे चल रहे थे, फिर उसके बाद तीन हुए, फिर देन चार हो गए। सो ये आप लोगों का लव है और जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी प्रेम युद्ध को चाह रहे हैं और देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबसे यही कहूँगी कि आप ये फिल्म देखने आए थिएटर में, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी प्रेरित करें ऐसी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में एक पहली ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को एक एक्शन, रोमांस और सारी चीज़ों से भरपूर एक ऐसी फिल्म है। मतलब ऐसी भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो लव के ऊपर बनी हैं, बहुत सारी लव स्टोरीज बनी हैं, लेकिन ये जो फिल्म है इसमें लव भी है और एक तरीके का एक्शन है, रोमांस है, सस्पेंस है। सो एक फैमिली पैकेज है, तो बचपन मतलब बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग तक ये फिल्म देख सकते हैं। तो सबको मैं यही कहूँगी, प्रेमियों ज़रूर देखने आए।